दोस्तों नमस्कार, मैं रजनीश कुमार पी वी आर एक्वा कल्चर फार्म से। कैसी है मेरी पी वी आर एक्वा फैमिली? दोस्तों आप सबका तह दिल से शुक्रिया। अपनी फैमिली का साइज 60,000 सब्सक्राइबर बेस हो गया है और मेरा टारगेट है कि जितने मेरे किसान भाइयों की नई नई रिक्वेस्ट आ रही है किसी ना किसी टॉपिक पे, उन सबको कंपाइल करके जैसे जैसे टाइम का अवेलेबिलिटी होती रहेगी मैं आपको वीडियो शेयर करता रहूँगा। दोस्तों आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि हम जो न्यूट्रिशंस हैं, न्यूट्रिशन की बजटिंग कैसे करेंगे न्यूट्रिएंट्स की अपने एक्वा कल्चर में। दोस्तों ज़्यादातर जो हम न्यूट्रिएंट्स यूज़ करते हैं या तो ऑर्गेनिक यूज़ करते हैं या इनऑर्गेनिक यूज़ करते हैं, सबसे पहला सवाल तो ये आता है कि उसकी रिक्वायरमेंट क्यों है, उसकी एप्लीकेशन क्या चाहिए। दोस्तों चाहे वो मैन्यूर की फॉर्म में हो चाहे फर्टिलाइज़र की फॉर्म में हो, अगर हम वो यूज़ रेगुलर इंटरवल्स में करते रहते हैं तो हम अपनी वाटर बॉडी की जो कैरिंग कैपेसिटी है उसको बढ़ा लेते हैं। मैं इसको और थोड़ा विस्तार से समझाना चाहूँगा कि अगर आपका जो वाटर बॉडी है वो आपकी फर्टाइल है, या ये कहना चाहेंगे जिसमें इनफ नेचुरल फूड भी अवेलेबल होता है और आप फीड बेस्ड कल्चर कर रहे हैं, अगर आप रेगुलर उसमें मैन्योर्स और फर्टिलाइज़र्स का यूज़ करते रहेंगे तो उसकी कैरिंग कैपेसिटी बढ़ जाएगी, उसकी यील्ड इंक्रीज़ हो जाएगी, उसमें जो आप अपनी फीड स्टॉक करते हैं उसकी जो आपका आउटपुट निकलेगा वो ज़्यादा निकलेगा। तो जो मैन्योर्स हैं, ज़्यादातर मैन्योर्स लोग बाग यूज़ करते हैं, उसमें रो कैटल डंग यूज़ करते हैं, पिग मैन्योर यूज़ करते हैं या पोल्ट्री मैन्योर यूज़ करते हैं। जो भी हम मैन्योर यूज़ करते हैं मेनली उसमें हमारे तीन कंपोनेंट का बड़ा रोल है, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम। उन तीनों की ही अलग अलग परसेंटेज रहती है जो हम उसमें अपना रेगुलर एप्लीकेशंस में यूज़ करते हैं। तो मैन्योर में जो कैटल डंग होता है चाहे वो काऊ का या बफेलो का हो, उसमें जो NPK रहता है वो हार्डली 0.3 नाइट्रोजन, 0.2 फास्फोरस, 0.1 पोटेशियम। सबसे ज़्यादा आपका पोल्ट्री मैन्योर में रहता है, 1.4 आपका नाइट्रोजन रहता है, 0.8 आपका पोटेशियम रहता है, 0.6 उसमें पोटेशियम रहता है। अलग अलग तीनों में ही ऑर्गेनिक कार्बन की परसेंटेज भी अलग अलग होती है। ये सारे कंपोनेंट्स आपके अनिवार्य हैं अगर आपको अपनी फर्टिलाइजेशन इंक्रीज़ करना है। जो आपका NPK, जो यूरिया, फास्फोरस और पोटास, उन सब में भी हमारी अलग अलग कंपोनेंट रहती है। यूरिया और 46% आपका उसमें रहता है, पोटास आपका तकरीबन 16% और पोटेशियम के आपका 15%। NPK एक कंबाउंड या एक कंबाइंड फॉर्म में भी मार्केट में अवेलेबल होता है, अन्यथा आप अलग अलग भी यूज़ कर सकते हैं। जनरली हम जो भी ये यूज़ करते हैं, मैं आपको एक थंब रूल से बता देता हूँ, यूरिया तकरीबन 200 kg प्रति हेक्टेयर प्रति ईयर हमें यूज़ करना चाहिए, SSP 300 kg प्रति हेक्टेयर प्रति ईयर यूज़ करना चाहिए। इसमें हमें जो यूज़ करने हैं हमें वो दो कंपोनेंट का बड़ा ध्यान रखना है, प्री स्टॉकिंग और पोस्ट स्टॉकिंग। ये मैंने आपको जो मात्रा बताई पूरे ईयर की बताई है, प्री स्टॉकिंग में आप दोनों की मात्राएं 1/5 कर दीजिए और पोस्ट स्टॉकिंग में जो रिमेनिंग यूज़ करते रहिए। तो आप इसको ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं कि अगर आपको यूरिया 200 kg यूज़ करना है और आपको SSP 300 kg यूज़ करना है, तो जो आपने 1/5 यूज़ कर लिया, जो रिमेनिंग बचा है वो जितने आपके नंबर ऑफ मंथ्स कल्चर के हैं आप उन्हें रेगुलर यूज़ करते रहें। दोस्तों ये सब चीज़ें आपकी बहुत ही कॉस्ट माइन्यूटली ऐड करती हैं, लेकिन इन सब की इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है। तो बने रहें अपने PVR एक्वा यूट्यूब चैनल पर और जानते रहें छोटी से छोटी बेसिक बातें। धन्यवाद।